माय टू फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। अल्लाह पाक हमेशा अच्छा रखे, खुश रखे। यास्मीन डेली लाइफ में आप सबका स्वागत है। और अभी से जो भी करेंगे आपसे शेयर करेंगे, मेरी वीडियो को फुल तक स्किप करके बिल्कुल भी मत देखिए। मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और बैठे हैं, चाय पी चुके हैं, और नाश्ता बनाना है हमको भी, बहुत सारा कपड़ा भी धोना है। सैटरडे है जैसे आज, बहुत सारा कपड़ा भिगो के रखे हैं, बस नाश्ता बना के दे के इन लोग को, जल्दी से कपड़ा धोते हैं। और सब कपड़ा धुल चुकी है, सिर्फ डालने का है। और इतना कपड़ा जो धोए हैं तो पूरा नहीं डाल पाएंगे शायद, क्योंकि वेदर ऐसे ही ख़राब है। जितना हो सकेगा डालेंगे, और नहीं तो बाकी रख देंगे। बाहर डाल नहीं सकते क्योंकि कभी भी बारिश हो सकती है। और कपड़ा मेरा डला चुका है, बहुत सारा कपड़ा उठा के रख भी दिए, डालने की जगह नहीं। अब घर समेटना है, पलंग पूरा फैला हुआ है, ये सब कपड़ा उतारे हैं अभी, सब तह लगा के रखना है जगह पे। और बारिश आज भी लग रही होगी, तो बस यही मौसम खराब है, रात भर बारिश हुई है। कपड़ा कितना रखेगा? डालेंगे कहाँ? हाँ, डालने का ही तो बहुत। मेरा तो मतलब ऐसे अंगन में अंदर डालने का है नहीं ना सिस्टम, मुझे तो बाहर ही डालना। और साथ बाबू आज नमाज पढ़ के आए, आज भी अच्छा से नमाज पढ़े। सही बात है, सबको अल्लाह पाक तौफीक दे अच्छा से अच्छा नमाज। अरे नहीं, कल से बहुत बदमाशी कर रहे। कल बहुत बदमाशी किए थे? आज तो ठीक है, आज ठीक किया। नहीं, लड़का बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, ठीक है। नहीं, थोड़ा बहुत चलता है, कोई बात नहीं। किसी का कारण है ये, क्यों ये बात बोला है? कल वो गया था तो बदमाशी बना बहुत क्या था, पानी पीने गया, पानी टंकी का कुछ कवर खोल दिया, उससे पूरा पानी बहने लगा। फिर मेरे अब्बा जल्दी जल्दी स्कूल आए, तो हम कल मना किए थे कि नहीं अब मत ले जाना, मेरे अब्बा परेशान हो जाते हैं। तो मैंने अब कुछ बड़ा होगा तब जाएगा, अब नहीं जाते होंगे तो नमाज। हम गए जाकर देखे, सुनने में आया कि नाना का नमाज पढ़ने चले, इसी वजह से बोला कि आज मैंने अच्छा से नमाज पढ़ा, बदमाशी बदमाशी नहीं की। अरसाद बाबू आज कहीं घूमने भी जा रहे, बोल दो अपनी आंटी के घर। ईद से आप बुला रही नहीं घूम के आओ, अपनी बड़ी आंटी के घर जाते। ये नमाज अच्छे से पढ़ के आए तो हम बोले थे जाएंगे ही ना, दे देगा ना तब जाएंगे। तो फिर अभी अब पूरा बादल छाया हुआ है, बारिश होगी जम के। और भाभी भी अपनी बहन के घर जाने वाली है, बस बारिश ना हो, क्योंकि साथ है साथ में। और हम भी जाएंगे, बारिश अगर होती है तो जिम नहीं जाएंगे, पर अपनी बहन के घर जाएंगे, क्योंकि हम तो शाम को ही जाते हैं। बारिश अगर नहीं होती है तो जिम भी जाएंगे, वहाँ पर भी जाएंगे। और जिम जाना मेरा नहीं हुआ क्योंकि बहुत बारिश हुई है, पर अभी बारिश रुकी हुई है। और पापा के घर जाना है हमको, बारिश नहीं हो रही है। और रोटी भी बनाना है, भाभी नहीं है, भाभी गई हुई, तो सोचे रोटी आज बना ही चलते, वैसे इतमान रहेगा हमको भी। मगरिब की टाइम हो ही रही है, मगरिब की नमाज हो जाती है, उसके बाद रोटी बनाते, उसके बाद ही निकलते। बस निकले अब जाने के लिए, और बारिश ना हो, ऐसे ही बहुत लेट से निकले आज, और जल्दी आ भी जाएंगे। और हमको आए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, हम लोग की चाय नाश्ता भी चल चुकी है। हाँ ना, और आज मुजम्मिल से मेरी मुलाकात हुई है, उस दिन आए थे तो नहीं मुलाकात हुई, ट्यूशन में थे। मेरे जाने के बाद तुम आए थे, 9-10-15 तक। हाँ, उस दिन हम गए पूरे भीग गए थे। आपका वाव आएंगे, जल्दी आओगे इंशाल्लाह। और अभी यारिश गया है बाहर कुछ काम से, और आज आपा थोड़ा बिजी है, आपा भी उठ के गई कुछ काम उनको, और आपा थोड़ा आज बिजी थी इसलिए उनको बैठाए नहीं हम आज। हाँ जी ना, आज हम लोगों को कहीं जाना था, जैसे कि हम कहें कि मुजम्मिल से कुछ काम था हमको, मुजम्मिल वाली काम तो कंप्लीट हो गई है, पर अब पापा को लेके जा रहे, कहीं कुछ लेना है हमको। हाँ, कुछ जरूरत का सामान लेना है, बस इसीलिए उनको लेने लेके, हमको जो भी लेने रहता है हम उनको लेके ही जाते हैं, ज्यादातर ऐसा ही होता है। हाँ,
और नाश्ता में बनाई थी आप उनको ब्लॉग में, होगा भी फ्राई राइस जो बहुत ही अच्छा था, अच्छा था जिसके हम कोई भी वीडियो नहीं ले पाए, हर मोमेंट में नहीं ले पाता जैसे कि समझ सकते हैं आपसे, पर बहुत अच्छा था। और हम सब निकल गए हैं, अभी आरिश आया है, आरिश जैसे आया साथ में निकला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कहाँ गए थे तू? हम नीचे साइकिल उठा रहे थे, सवेरे उठा लेते ना, तुमको भी कुछ लेना है? नहीं हम अभी सोचे नहीं है कुछ, सोच लो रास्ते में भी टाइम है थोड़ा, ठीक है। और हमको जो लेना था वो हम ले चुके थे, पर आपा की बाकी थी वो ले रही थी, तो तभी हम चले आए थे कि हम कहें कि मेरी देर हो रही है बहुत, हम चले आए। अगर जैसे अभी आके रिलैक्स हुए, बुढ़ी दी की कॉल आ रही है, अब चलते हैं उनसे थोड़ा मिल लेने, क्योंकि सुबह से हम मिले ही नहीं उनसे भी। अब हम तो सोचे मेरे आते आते बुढ़ी दी सो जाएगी, पर सो ही नहीं जाएगी, नहीं आज थोड़ा देर, आज वेट कर ये करे टीका पंडित लगा। हाँ ये जल्दी में होंगे इस वजह से, हम देखे भी नहीं आई ना, अभी देख रहे समझी। कहाँ गए थे? गए थे कुछ लेना ना था ना आपको, जमीन से भी थोड़ी काम थी। कैसा तबीयत? हाँ सब ठीक है, पार्लर नहीं जाएगी? हाँ बुढ़ी दी जाएंगी, देखिए ना आईब्रो मेरा बहुत ज्यादा, पार्लर टाइम भी हो चुका है पर नहीं जा रहे, क्योंकि उस बार मेरा आईब्रो थोड़ा सा ना खराब कर दी, इसलिए हम सोचे थोड़ा सा बढ़ जाते तब सही से होता, बढ़ तो किया अब जाएंगे सोचे, पर कल संडे है ना, कल तो बंद रहेगी। कौन बोला पार्लर तो भी बंद है? हाँ संडे पार्लर बंद होता है, जो पार्लर हम जाते हैं पार्लर बंद होगा, बाकी ऐसे ताकि संडे का दिन तो ज्यादा आदमी जाते ही है। तब कल संडे है, कल नाश्ता होगी साथ में, नेक्स्ट वीक हम लोग नहीं किए थे ना, किए थे शायद, नहीं तो घर में मेहमान आ गया था, हाँ ऐसे कुछ और मेरा, हाँ इसीलिए नहीं हो पाया। शाहीन आई थी ना? शाहीन आई, हाँ फिर एक हफ्ता तबीयत मेरा ठीक नहीं था, बाहर ही तो गई हुई थी, थे भी नहीं बाहर, ऐसे ही होता है कभी कभी, सब टाइम में थोड़ी ना आदमी कर पाता है, कभी कभी ब्रेक भी आदमी ले ही लेता है। आप ले सकते मेरा ब्रेक नहीं हो सकता, ऐसी बात नहीं है, मेरा ब्रेक नहीं हो सकता, मेरा भी हो सकता है, कभी कभी इंसान की तबीयत खराब हो ही सकती है। मेरा भाई कभी कदर आएंगे भी, कभी कभी नहीं भी आएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, कोई ये नहीं है कि ऐसा बात है ऐसा बात है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कभी कभी हम बहुत ज्यादा ही सो जाते जो वीडियो में आ नहीं पाते। अच्छा नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। और वीडियो का एंड अपना यहीं पर करते हैं, आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, मेरी वीडियो को फुल सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, रखते हैं, अल्लाह हाफिज़।